जीवन एक दौड़ है, लेकिन एक दिन यह दौड़ समाप्त हो जाएगी। जीवन क्या है? जीवन एक दौड़ है, लेकिन एक दिन यह दौड़ जो है वो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद इस बात का निर्णय होगा कि आपने कैसा दौड़ा। अगर आपने एक पवित्र दौड़ दौड़ी है, एक ईमानदार दौड़ दौड़ी, एक अच्छा पवित्र जीवन जिया है, एक विश्वासयोग्य जीवन जिया, एक धर्मी जीवन जिया है, यदि आपने एक निर्दोष जीवन जिया है, तो आप निश्चित परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि बाइबिल कहती है कि धर्मी जन परमेश्वर को देखेंगे, और यही हमारा इनाम है। संसार में जो आपको इनाम मिलेगा, जो भी आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, उपहार मिलेगा, जो भी आपको तांबे का पीतल का शील्ड मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आपके साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति के घर में गया जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े कप और इनाम और पता नहीं कितने बड़े बड़े सर्टिफिकेट थे, लेकिन दुर्भाग्य वो संसार में ही नहीं था, वो मर गया था। जब वो मर गया तो दीवार पर लगाए हुए उसके जो भी इनाम थे, जो भी प्रशंसा पत्र थे, जो भी उसकी महिमा तारीफ के जो पत्र थे, वो सब धूमिल है, क्योंकि वो व्यक्ति संसार में नहीं है। जो व्यक्ति संसार में नहीं है कि उसकी योग्यता है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या लाभ, चला गया संसार से। ठीक इसी तरह एक दिन हमारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबिल क्या कहती है, इस दौड़ के बाद में आपको एक इनाम मिलेगा, और वो इनाम किसी मनुष्य के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा नहीं, वो इनाम जो है वो आपको स्वयं परमेश्वर देगा। क्योंकि जीवन किसका है? जीवन परमेश्वर का है, और अंततः हमें परमेश्वर के पास लौटना है। तो जब हमें परमेश्वर के पास लौटना है, तो हमें इस बात को देखना है कि हम ऐसी दौड़ दौड़े जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप एक ऐसी दौड़ दौड़े जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप मनुष्य को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, संगठन को दिखाने के लिए, या किसी भी प्रकार के दूसरे लोगों को दिखाने के लिए मत दौड़िए। ऐसा जीवन मत जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष ना हो। क्योंकि अंततः आपको इनाम कौन देगा? अंततः आपको इनाम कौन देगा? परमेश्वर देगा, यीशु मसीह आपको इनाम देगा। इसलिए पौलुस आपको प्रेरित करता है आपके जीवन के बारे में। जीवन के जो दिन है वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। आज जो दिन निकल जाएगा वो दिन कभी वापस नहीं लौटेगा। जो दिन कल निकल गया वो अब भविष्य में कभी वापस नहीं लौटेगा। ये जीवन के जो दिन है, ये दिन निकलते जा रहे हैं, और अंततः ये बालू के समान, जैसे मिट्टी में आप बालू को पकड़ लें तो बालू धीरे 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 रेत जो है वो निकल जाती है, इसी तरह जीवन के दिन हमारी मुट्ठी से निकल जाएंगे, और अंततः जब हमारी आंख इस जीवन के बाद खुलेगी, जो प्राण निकलेगा, और हम देखेंगे कि हमने इस संसार में क्या पाया और इस संसार में हमने क्या किया। इसलिए बाइबल आपको प्रेरणा देती है, पवित्र शास्त्र बाइबल आपको प्रेरणा देती है कि आप ऐसे दौड़ो कि आप जीवन का मुकुट पाओ, क्योंकि जीवन परमेश्वर का है, और अंततः यह निर्णय परमेश्वर को लेना है कि आपको जीवन का मुकुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने कैसा जीवन जिया है? आपका जीवन अगर निष्कलंक है, पवित्र है, आपके जीवन में प्रेम है, सद्भावना है, आपके जीवन में दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है, आपके जीवन में दूसरों को प्रेम करने की और उनको ग्रहण करने की शक्ति है, आप निश्चित जीवन का मुकुट पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालची है, कोई व्यक्ति घमंडी है, बेईमानी कर रहा है, छल और कपट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए तो वो विजेता बन जाएगा, अपनी दृष्टि में विजेता बन जाएगा। भाई मैं कुछ हूं, मैंने किसी का खेत छीन लिया, मैंने किसी का व्यापार छीन लिया, मैंने किसी का नाम प्रतिष्ठा छीन ली, मैंने किसी संगठन में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी और उस संगठन का स्वामी मैं बन गया। ऐसी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उस व्यक्ति को अंत में परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है
जिसका नाम नूहा है। क्या नाम है? और बाइबल बताती है कि जब पूरे संसार को नष्ट करने का, सारे संसार को जितने भी प्राणी थे, दुष्ट थे, अंधकार में पड़े हुए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने देखा कि सारा संसार जो है वो अंधकार में पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सारे संसार के प्राणियों को नष्ट किया जाएगा, कोई प्राणी नहीं बचेगा, क्योंकि सब दुष्ट है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं, कोई परमेश्वर को देखने वाला, ढूंढने वाला, जानने वाला, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला नहीं, पूरे संसार को नष्ट किया जाएगा। जब परमेश्वर ये सोच रहा था, जब परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति में पड़ी जिसका नाम नूहा है, निकाली उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6:9 को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6:9 पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए कितनी सुंदर बात, परमेश्वर एक व्यक्ति की गवाही दे रहा है, स्वयं परमेश्वर नूहा के बारे में बता रहा है कि नूहा कैसा व्यक्ति था। कोई समाज, कोई संगठन, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई आपका मित्र आपकी तारीफ करे तो वो तारीफ क्या है, क्योंकि आपने उसके संग कोई अच्छा काम किया, चार लोगों के साथ आप बुरा काम करके आए तो चार लोगों से पूछेंगे तो बुरा बोलेगा। आपने किसी एक व्यक्ति के संग अच्छा काम कर दिया तो व्यक्ति कहेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन चार व्यक्ति जो आपकी वजह से रोए हैं, वो चार व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति जिनके जीवन में आपके द्वारा कष्ट और बुराई आई है, समस्या पैदा हुई है, वो तो आपकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है। आप किस कोने में कहां क्या कर रहे हैं ये परमेश्वर को मालूम है। आप किसके संग छल कपट कर रहे हैं, किसके संग बुराइयां कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, आप दूसरे से व्यक्ति से उसकी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर तो देख रहा है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और बंद कमरे में बैठकर आप कोई बुराई, कोई योजना बना रहे हैं तो बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि आप बंद कमरे में बैठकर चार लोग बुराई की योजना बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम है कि आप बंद कमरे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। और जो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है, उससे कोई बात छिप नहीं सकती, उससे कोई बात छिप सकती है, उससे कोई, जो व्यक्ति सर्वव्यापी होगा, परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी, वो उसका स्वभाव है, सब जगह उपस्थित है वो। आप जंगल में चले जाएं, आपका मोबाइल का टावर नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां पर है। पहाड़ पर चले जाएं, कोई प्राणी वहां पर ना हो, परमेश्वर वहां पर है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। और ये सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहा है और वो कह रहा है कि एक धर्मी व्यक्ति है। आप जानते हैं धर्मी कौन है? धर्मी व्यक्ति वो है जिसका संबंध परमेश्वर से अच्छा हो, सीधा हो, जिससे परमेश्वर की बातचीत होती हो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? तो जीवित है तो बातचीत होगी ना। दो लोग फोन पर बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा, तो नहीं चलेगा। आप बोलेंगे हेलो तो सामने वाला भी बोलेगा हेलो। दोनों जीवित होने चाहिए ना, तभी तो बात होगी। एक मुर्दा व्यक्ति है तो उससे आप क्या बात करोगे? तो एक व्यक्ति मर गया तो उसका एक जानकार था, वो दौड़ता हुआ आया, आकर उसकी जो दूसरा व्यक्ति जो मरा हुआ था उसकी लाश पर गुस्सा होने लगा। बोले अरे ये मर कैसे गया, ये मेरा 5 लाख रुपया ले लिया, मेरा 5 लाख रुपया लेके मर गया, इसको बोलो मेरा 5 लाख रुपया दे। लोगों ने समझाया भैया अब तो मर गया, अब तो मर गया तो तुम्हारी क्या सुनेगा वो। जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो आपको उत्तर दे सकता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो आपसे बात कर सकता है। बाइबल में परमेश्वर की एक पहचान है, वो जीवित परमेश्वर है, सदा से सदा के लिए जीवित है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, सदा से सदा के लिए वो जीवित है। और वो जीवित है तो पहले वो बात करता है। उसने आदम से क्या कहा? सुनो। पहले किसने बात की? पहले परमेश्वर ने बात की, पहले परमेश्वर ने बात की। तो जीवित परमेश्वर वो बात करता है। तो जीवित परमेश्वर जो है वो गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? नूहा की गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, इसका संबंध मेरे साथ ठीक है, इज ए राइचियस मैन। क्या परमेश्वर आज आपके लिए गवाही दे सकता है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि ये व्यक्ति, ये महिला, ये पुरुष, ये जवान, इसका संबंध मेरे साथ है, ये एक धर्मी व्यक्ति है, इज ए राइचियस मैन, ये मेरी बात को सुनता है, मेरी योजनाओं को, मेरे वचनों को जानने की कोशिश करता है, मेरे वचन को पढ़ता है। क्या परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे सकता है? ये हमारे जीवन का मुकुट है। अगर परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे सका
तो समझ लीजिए आपके पास जीवन का मुकुट है। आगे क्या कहता है, वो निर्दोष, उसके काम निर्दोष है, वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति, इज ए ब्लेमलेस। पढ़िए वचन को दोबारा पढ़िए, नूह जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसकी वंशावली यह है कि वो धर्मी व्यक्ति था। आगे पढ़े, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चल रहा था। खरा मतलब निर्दोष, आप समझ रहे हैं मेरी बात, निर्दोष। उसने किसी की किसी का अहित नहीं किया, किसी मनुष्य का अहित नहीं किया। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, हम परमेश्वर के साथ तो अपना संबंध अच्छा रखें, हम खूब पूजा पाठ करें, खूब आराधना करें, गीत गाएं, धन्यवाद करें, उपवास रखें, अपनी कोठरी बंद कर करके घुटनों पर प्रार्थना करें, सारा महिमा आदर प्रभु को दें, लेकिन जब बंद कमरे से बाहर निकलें, प्रार्थना सत्संग से बाहर निकलें, लोगों के संग झगड़ा करें, मारपीट करें, गालियां दें, उन्हें लूटें, उनकी बुराइयां करें, चुगलियां करें, तो वो व्यक्ति निर्दोष नहीं होगा, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ तो अच्छा है, मनुष्यों से मुझे क्या लेना। वो पकड़ा जाएगा कैसे, केन के समान। आपको मालूम है केन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों भाई थे, दोनों का संबंध परमेश्वर से अच्छा था, ठीक है, दोनों परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आए, लेकिन क्या हुआ हम जानते हैं, पढ़ेंगे, जब केन जो है परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आया तो क्या हुआ भाई, निकालो, मिला आपको चौथे अध्याय में चौथे पद से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, दो सगे भाई थे केन और हाबल, और ये दोनों परमेश्वर के पास उपहार लेकर आए, क्योंकि माता पिता ने इनको सिखाया था कि परमेश्वर के साथ चलना है। आदम और हव्वा ने सिखाया कि अपना पैलौठा लेकर, अपना उपहार लेकर परमेश्वर के पास जाओ, अच्छी बात है। परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर को उपहार दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना को, उसके उपहार को स्वीकार कर लिया, उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने केन की, जो उसका भाई था, केन की प्रार्थना को और उसके उपहार को ग्रहण नहीं किया। आप जानते हैं क्यों, इसमें क्या बुराई थी, वो तो परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आया था ना, तो परमेश्वर को ले लेना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उस उपहार को क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि केन का संबंध अपने भाई से अच्छा नहीं था, वो अपने भाई के साथ खरा नहीं था, अपने भाई के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके उपहार को, उसकी आराधना को स्वीकार नहीं किया, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस रहस्य को समझ लीजिए। कई बार कई लोग होते हैं, सोचते हैं कि भैया हम तो मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, चर्च जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, हाँ पहाड़ पर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके लिए यज्ञ करेंगे, उसके लिए हम उपहार चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, बाइबिल क्या कहती है, अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, तो पहले जा और उसके साथ संधि कर, समझौता कर, तब आकर भेंट चढ़ाना। इसलिए परमेश्वर ने केन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। आप में से कोई चाहता है कि मेरी प्रार्थना और मेरा भेंट अस्वीकार कर दिया जाए, कोई ऐसा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारे भेंट जो है वो परमेश्वर को स्वीकार हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आपके भेंट स्वीकार हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको निर्दोष होना पड़ेगा। और निर्दोष होने का मतलब है कि आप अपने मित्र, पड़ोसी, समाज और लोगों के साथ जब आप खड़े होंगे, जब आपका संबंध केवल परमेश्वर के साथ नहीं, लोगों के साथ भी अच्छा होगा, तो आप निश्चित रूप में परमेश्वर की दृष्टि में क्या होंगे, निर्दोष होंगे। और आगे लिखा है विश्वास योग्य। नूह जो क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, क्या है, विश्वास। इसको समझ लीजिए, संदर्भ को, इस बात को समझ लीजिए कि नूह विश्वास योग्य कैसे है। देखिए, हमारा विश्वास किसी व्यक्ति में कैसे बढ़ता है, हमने उसे कोई काम दिया, हमने उसे कोई जिम्मेदारी दी, उसने वो काम कर दिया, तो हमारे मन में उसके प्रति एक प्रेम, एक भाव, एक सद्भाव पैदा हो गया कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। आपने दोबारा उसे कोई काम दिया, उसने उस काम को कर दिया,
तो आपको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति विश्वास योग्य है, ये एक अच्छा व्यक्ति, खरा व्यक्ति, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, और उसने वो काम और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, देख के मुंह बना के चला गया, या आलस में, नींद में, या किसी और दूसरे कारण से उसने उस काम को पूरा नहीं किया जो जरूरी था, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति विश्वास योग्य। आपने किसी को 100 रुपए दिए, बोले भैया ये 100 रुपए उसको आप गांव में जा रहे हो उसको दे देना, उसका पैसा जाओ आप जा रहे हो उधर ही जा रहे हो कोई बात नहीं है, पैसा दे उसको रास्ते में मिलेगा दे देना। आपने दूसरे दिन पता किया कि वो व्यक्ति भी गायब, 100 रुपया भी गायब, तो क्या वो व्यक्ति विश्वास योग्य है? क्या अगली बार आप उसे 500 रुपया देंगे कि भैया उस व्यक्ति को जाकर ये काम जरा कर देना? आप कहेंगे ये तो 100 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है, तो 500 रुपए में क्या विश्वास होगा? तो नोहा परमेश्वर की दृष्टि में कैसे विश्वास हो गया? रातों रात तो नहीं हुआ, अचानक तो नहीं हुआ, प्रभु ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दे दी? बोला एक जहाज बनाओ और अपने परिवार के साथ और जीव जंतुओं के साथ उस जहाज में जाना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने नोहा को दी है। ये इसलिए हुआ होगा कि इतिहास में, यानी पहले नोहा जो होगा वो परमेश्वर के तंग विश्वास योग्य रहा होगा। कम से कम 20 बार, 50 बार या 100 बार उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता में वो खरा ठहरा होगा। इसलिए उस प्रभु को विश्वास है कि मैं इस व्यक्ति को अगर कोई जिम्मेदारी दूंगा, कोई काम दूंगा, तो ये काम हो जाएगा। और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं था, काम बहुत बड़ा काम था, एक जहाज बनाना है, और वो जहाज उसके हित के लिए था कि वो और उसका परिवार बच जाएगा। संसार को प्रभु ने त्याग दिया, लेकिन नूह को परमेश्वर ने दृष्टि में, अपनी दृष्टि में माना कि ये व्यक्ति धर्मी है, विश्वास योग्य, खरा है। पूरे संसार को त्यागना पड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। और आप जानते उस एक व्यक्ति के द्वारा, नूह और उसके पुत्रों के द्वारा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवन को वापस लौटाया। इसलिए आप नूह की संतान है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप नूह की वंशावली के, नूह के लोग हैं आप। नूह के द्वारा उसके पुत्र थे शेम, हेम और यापेत, 3 पुत्र थे। सारी सृष्टि तो मर गई थी, लेकिन आगे चलकर शेम, हेम और यापेत के पुत्रों के द्वारा संसार दोबारा अस्तित्व में आया। और हम सब जो है वो कौन है? हम सब जो है वो नूह की संतान, उसके बेटे और बेटियां। क्यों? उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा। उसने विश्वास किया, एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया, एक व्यक्ति खरा निकला, एक व्यक्ति धर्मी निकला, और परमेश्वर ने उसके हाथ में जीवन की बागडोर दे दी। कह रहा, मैं तुम्हारे द्वारा संसार को फिर से रिस्टोर करूंगा, फिर से बनाऊंगा। यह है इनाम जिसके बारे में पौलुस कह रहा है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक पाता है। इससे तुम ऐसा दौड़ो कि तुमको वो इनाम मिले।